सियासत और दौलत का पुराना नाता रहा है। सियासत में पैसा जिस्म में सांसों जैसा है, तभी नेताजी की परिभाषा में अगर पैसा ना हो तो फिर नेता मतलब कुछ नहीं बचता। नेता मतलब ही पैसा, शोहरत, आलीशान बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लव लश्कर, रेड कारपेट, सफेद कुर्ता और उन पर पैसों का तिलक। आहा, स्वर्ग इसी को तो कहते होंगे। लेकिन सियासत में खुद को गरीब दिखाने की ही ऐसी ही एक परंपरा है कि जो नेता खुद को गरीब बताएगा, मिट्टी में बैठ जाएगा, फटा कुर्ता पहनेगा, वो ही जनता के दिल में घर बना पाएगा। लेकिन चुनावी मौसम में नामांकन पर नेताओं की जेब की तुरपाई नोच देते हैं। उसमें नेता खुद अपनी जेब से कलम निकालकर अपने हाथों से अपने खजाने को लिखते हैं। इतने करोड़ की चल संपत्ति, इतने करोड़ की अचल संपत्ति, इतनी जमीन बेटी के नाम, इतने बंगले बीवी के नाम और इतने कारखाने बेटों के नाम, और हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस। कितना भोला होता है ना ये नेता। लेकिन उस भोलेपन के पीछे बने बंगले को अगर आप झांकेंगे और देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार की सियासत में करोड़पति नेताओं की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 67% विधायक करोड़पति हैं, जिनमें जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में 73% करोड़पति विधायकों की बाहर है, तो वहीं कांग्रेस की फटी जेब में 68% विधायक करोड़पति हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में 63% विधायक करोड़पति हैं, तो वहीं बीजेपी में मोदी जी जैसे ही गरीब उनकी भी पार्टी में मिल जाएंगे। मतलब बीजेपी जैसी गरीब पार्टी के झोले में 61% विधायक करोड़पति हैं। कुल मिलाकर बिहार के वर्तमान विधायकों की औसत संपत्ति 3.06 करोड़ रुपए है। सूबे में 3 विधायकों के पास ही 100 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति है। इनमें खगड़िया से जेडीयू विधायक पूनम देवी यादव के पास सबसे ज्यादा 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्ति है। मतलब मैडम के महल में सोने की टोटी होगी, सोने का लोटा होगा, सोने पर ही सोती होगी, और क्या पता सोना ही ओढ़ती हो, बिछाती भी हो। तो वो कांग्रेस के भागलपुर से विधायक अजय शर्मा के पास 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। एक विधायक 40 करोड़ जेब में लेकर घूम रहा है और राहुल जी दुनिया को फटी जेब दिखाते घूम रहे हैं। तो मुकापा से निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह 28 करोड़ के मालिक है। मतलब पैसे का ऐसा जलवा कि भाई मूंछ तो गिरती ही नहीं। अब जब सीएम ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाए फिर बचता ही क्या है, सरकार जेब में आ जाती है। जरा सोचिए, जनता द्वारा चुने गए नेता पैसों पर सो रहे हैं, उनकी विधानसभा के लोग रो रहे हैं, और होता भी क्या है। करोड़पति नेता जी के चबूतरे पर मार्बल बिछा होगा, लेकिन सड़क पर वही कूड़ा बिछा है। विकास के नाम पर कंगाल है, कुछ भी नहीं मिलता, गरीब लाचार है, घरों में खाने को नहीं है, और लॉकडाउन के बाद कई नौकरियां भी चले गई। लेकिन नेताजी को इससे फर्क कहां पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नेता ऐश कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, और गरीब रो रहे हैं। कई लोगों के घरों में एक टाइम खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो बनाएं, ये कोई अपडेट लाए आपके लिए, तो आपको मिल सके। तब तक के लिए देखते रहिए दी कंठा। धन्यवाद।